अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज बना रहे हैं टमाटे गोश। देखिए ये मटन है, ये प्याज है, टमाटे गोश है। देखिए इसके लिए मिर्ची नमक के मसाले पूरे ले लिया है। देखिए इसमें ऐड करेंगे टमाटर, टमाटर कोथमीर, टमाटे गोश का सालन है ये भी हैदराबाद में फेमस है ये रेसिपी भी। इसमें ऐड करेंगे हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची। इसमें देंगे नमक, अदरक लहसुन, इसमें ऐड करेंगे तेल। तेल ऐड करके 3 सीटी के लिए लगा लेंगे टमाटर भुनने के बाद में, फिर बताएंगे। पानी ऐड करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे टमाटर गोश्त बनाने के लिए, मटन है वो। देखिए इसको अच्छे से भून लेना, देखिए इसको अच्छे से भून लेना टमाटर गोश्त। देखिए वीडियो होंगे, मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, फिर तेल आता हूँ ऊपर, उसके बाद अच्छे से भून लेना इसको। देखिए गाइस हम बनाएंगे बैंगन का सालन। बैंगन को ऐसा कट करके नमक के पानी में डाल के रख लिया है। ये कोथिमीर की डंडियाँ हैं, कोथिमीर है, ये खोपरा है, ये देखिए सब मसाले ले लिया। इसको अच्छे से भून लेंगे अपन मसालों को। मसाले पूरे ले लिया है, खोपरा है, फली है, देखिए ये सब मसाले हैं। इसको भून ले के पीस देंगे अपन बैंगन की, बैंगन के सालन की ग्रेवी बनाएंगे। अच्छे से भून लेंगे, काजू भी है, खोपरा है, तिल है, जीरा है, अच्छे से भून लेंगे। इसमें तेजपत्ता भी ऐड करेंगे।
मैंने इसको अच्छे से भून चुका है, तो अपन पीस लेंगे। अपन देखिए गैस, हम इसको अच्छे से पीस के ला लेंगे। देखिए गैस, इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे, एक टमाटर भी ऐड करेंगे इसमें। देखिए टमाटर भी ऐड किया, एक धनिया भी ऐड करेंगे इसमें, इसको अच्छे से पीस के ला लेंगे। देखिए गैस, इसको पीस लेंगे फिर इसमें लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे, नमक भी ऐड करेंगे इसको पीस के। फिर देखिए गैस, हमने इसको पीस के ला लिया है, अब बनाएंगे। देखिए हमने रख लिया है कढ़ाई, इसमें डाला मैंने, देखिए कढ़ाई रख लिया है, अब इसमें तेल ऐड करेंगे अपन। देखिए बैंगन को नमक के पानी में डाल के रख दिया था, तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें बनाएंगे। देखिए गैस, हमारा टमाटर गोश्त का सारा रेडी हो चुका है, मटन है ये। देखिए ये रेसिपी भी तैयार हो चुकी है, इसे हम सर्व करेंगे। देखिए गैस, इसको अच्छे से ले लूँगा बैगन को। हमारा बैगन फ्राई हो चुके हैं, सब निकाल लेंगे। मसाले ऐड करेंगे अपन, मसाले को अच्छे से छान लेंगे। मसाले को डाली गई आप बताओ। देखिए गैस, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, फिर मिर्ची ऐड करेंगे इसमें। देखिए गैस, हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है, इसमें अपन बैगन ऐड करेंगे। फिर मसालों का पानी ऐड करेंगे इसमें अपन। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे इसको। उसके बाद में
देखिए अच्छे से हो रहा है, इसको अच्छे से देखिए सड़न से तेल भी अच्छे से आ चुका है, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसको और 10 मिनट रखूंगी मैं। देखिए गाइस मैं रोटी भी डाल दूं। देखिए गाइस हमारे सालन देखिए माशाल्लाह, देखिए महक भी अच्छे से आ रही है, ग्रेवी भी अच्छे से बन चुकी है। देखिए गाइस हमारा सालन ग्रेवी अच्छे से आ चुकी है। देखिए गाइस ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। देखिए गाइस हमारी रोटियां बन रही है, तवा हमारा गर्म हो चुका है। देखिए गाइस हमारी रोटी भी बन चुकी है। देखिए गाइस इसे हम सर्व करेंगे, इसमें ले लेंगे। देखिए यहाँ पर रख लिया है मैंने, अब इसमें ले लेंगे। देखिए गाइस हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, बैंगन की, सालन की और टमाटर गोश्त की। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना गाइस। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।